फिल्म की शुरुआत एक बेहद अंधेरी और डरावनी रात से होती है। वहाँ सोफी नाम की एक जवान लड़की है और वह अकेली ही अपना काम कर रही है। अचानक उसे उस अनाथालय के बाहर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं जहाँ वह रहती है। उत्सुक और थोड़ा डरी हुई वह ये देखने के लिए खिड़की खोलती है कि क्या हो रहा है। वह देखती है कि सड़क पर उपद्रवी नशे में धुत लोगों का एक समूह घूम रहा है। सोफी एक बहादुर लड़की होने के नाते उन्हें चुप रहने के लिए कहने का फैसला करती है क्योंकि अनाथालय के अन्य बच्चे सोने की कोशिश कर रहे हैं। वह उन्हें चेतावनी देती है कि अगर वे चुप नहीं हुए तो वह पुलिस को बुला लेगी। नशे में धुत लोग डर जाते हैं और तुरंत भाग जाते हैं। उस छोटे से साहसिक कार्य के बाद सोफी अपने बिस्तर पर वापस जाती है और एक कहानी की किताब पढ़ना शुरू करती है। जैसे ही वह अपनी किताब में खोई हुई थी उसे अचानक अपनी खिड़की के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। इससे वह चौंक जाती है और सुरक्षित रहने के लिए जल्दी से अपने कंबल के नीचे छिप जाती है। ये रात रहस्य और डर के स्पर्श से भरी है जो कहानी में आगे क्या होगा इसके लिए मंच तैयार कर रही है। सोफी उन भयानक शोरों के स्रोत को उजागर करने के लिए दृढ़ थी। सतर्क जिज्ञासा के साथ वह खिड़की के पास पहुंची, ध्यान से अपने आरामदायक कंबल अलग रख दिए। कांच के दूसरी तरफ जो उसका इंतजार कर रहा था वो उसकी कल्पना से परे था और इसने उसे गहरे हड्डियों को कंपा देने वाले डर से भर दिया। उस अंधेरी और अशुभ रात के बीच वहाँ खड़ा एक जॉइंट और भयावह जॉइंट था। उसकी जॉइंट उपस्थिति अलौकिक लग रही थी जो मंद रोशनी वाली सड़क पर लंबी अशुभ छाया डाल रही थी। सोफी का दिल जोरों से धड़क उठा और ये दृश्य देखते ही उसकी आँखें अत्यंत भय से फैल गईं। उस जॉइंट ने, जिसके हाथ आसानी से उसकी पूरी दुनिया को घेर सकते थे, सोफी को देखा। एक अचानक दिल दहला देने वाले क्षण में वो खिड़की के माध्यम से अंदर पहुंचा और उसे कंबल के नीचे से उसके आश्रय से बाहर निकाला। सोफी का डर तेज हो गया और वो जॉइंट की जबरदस्त पकड़ से स्तब्ध हो गई। इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया कर पाती, जॉइंट तेजी से उसे अंधेरे में ले गया और उसके परिचित परिवेश की सुरक्षा को पीछे छोड़ दिया। जैसे ही वह उसे अपने जॉइंट हाथ में लेकर दौड़ा, बाहर की दुनिया एक रहस्यमय और खतरनाक जगह में बदल गई जो एक अशांत और भयानक माहौल में डूबी हुई थी। ये सोफी की कल्पना से परे एक रोमांचक साहसिक कार्य की शुरुआत थी। सोफी ने एक जगह से भागने की कोशिश की लेकिन गलती से उससे कुछ चीजें गिर गईं जिससे एक बड़े जॉइंट की नज़र उस पर पड़ गई। जॉइंट ने उसे ये कहकर डराने की कोशिश की कि वह उसे खा सकता है, लेकिन सोफी शांत रही। वह धीरे से उससे सवाल पूछने लगी। उसने उल्लेख किया कि वह एक अनाथ थी और बताया कि वह अनाथालय में दुखी थी जहां मालिक क्रूर था और निर्दोष बच्चों को दंडित करता था। उत्सुकतावश सोफी ने जॉइंट से पूछा कि उसने उसे अपने साथ ले जाने का फैसला क्यों किया। उसने समझाया कि अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो वह दुनिया को उसके जैसे दिग्गज से सामना होने के बारे में बता सकती है। सोफी ने किसी को न बताने का वादा करते हुए उससे विनती की और आज़ाद होने को कहा। दुर्भाग्य से जॉइंट ने उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। जॉइंट एक कुर्सी पर बैठ गया और एक किताब पढ़ने के लिए एक आवर्धक कांच का उपयोग किया जिससे सोफी आश्चर्यचकित हो गई। उसने पूछा कि क्या वो पढ़ सकता है और वह जो कहानी सुना रहा था उससे वह इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि वह सो गई। जब वह सो गई तो दैत्य चुपचाप एक रहस्यमय स्थान पर चला गया जहां उसने प्रयोग किए। दृश्य बदल गया और सोफी भयभीत होकर उठी। तभी उसने देखा कि पास में ही एक विशालकाय व्यक्ति सो रहा है। उसने सोचा कि यह उसके भागने का मौका है, इसलिए वह चुपचाप दैत्य की गुफा से दूर चली गई। हालांकि अपनी यात्रा के दौरान उसका सामना एक दुष्ट जॉइंट से हुआ जिसने उसे नुकसान पहुंचाने और खाने की कोशिश की। वह मदद के लिए जोर से चिल्लाई और ऐसा लगा जैसे दुष्ट जॉइंट ने उसे खा लिया हो, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक डरावना सपना था। लड़की को जल्द ही एहसास हुआ कि उसे डरावना सपना किसी बड़े जॉइंट ने दिया था। उसने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया और उसने बताया कि वह उसे भागना नहीं सिखाना चाहता था क्योंकि इससे वह मुसीबत में पड़ सकती थी। जब वे बात कर रहे थे एक और जॉइंट प्रकट हुआ और उसने बड़े जॉइंट से पूछा कि क्या घर में कोई है। बड़े दैत्य ने कहा नहीं। हालांकि नया दिग्गज, जो बहुत अच्छा नहीं था, अशिष्टतापूर्वक व्यवहार करने लगा। उसे एक अजीब गंध महसूस हुई और उसे संदेह हुआ कि यह किसी इंसान की गंध है। उसने चारों ओर देखा लेकिन सोफी नहीं मिली, जो छिपने में कामयाब रही। आखिरकार अमित्र दैत्य चला गया। दयालु जॉइंट सोफी को एक रहस्यमय स्थान पर ले आया जहां उसने जादुई सपनों से भरे जार रखे थे। उसने उसे साफ होने के लिए नहलाने में मदद की और फिर उसे पहनने के लिए कुछ कपड़े दिए।
सोफी ने लाल जैकेट चुनी जिससे जॉइंट भावुक हो गए और रोने लगे। जब सोफी ने उससे पूछा कि वो क्यों रो रहा है तो वो बताना नहीं चाहता था, लेकिन कहा कि वह काम पर जा रहा था। उत्सुकतावश सोफी ने जॉइंट द्वारा किए गए कार्य के प्रकार के बारे में पूछताछ की और उसने खुलासा किया कि उसने सपनों को कैद किया है। उत्साहित होकर सोफी ने उसके साथ जाने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन बाहर के खतरों के कारण पहले तो उसने मना कर दिया। सोफी ने लगातार उससे पूछा, एक विनम्र अनुरोध करते हुए वह तब तक ठुकरा नहीं सका जब तक कि वह उसे अपने साथ ले जाने के लिए सहमत नहीं हो गया। एक दृश्य में कई दिग्गज घास के मैदान पर शांति से सो रहे थे। हालांकि परेशानी तब पैदा हुई जब अच्छे दिग्गज लड़खड़ा गए जिससे मतलबी दिग्गज जाग गए। सोफी घास के मैदानों के बीच एक कार में छिपने में कामयाब रही। इन दुष्ट दिग्गजों ने अच्छे दिग्गज के साथ बहुत खराब व्यवहार किया। उन्होंने उसे फुटबॉल की तरह इधर उधर उछाला और एक क्रूर खेल खेला। उन्होंने अच्छे विशालकाय को एक पहाड़ी चट्टान के एक छोर पर एक कार पर बिठाया, जबकि एक अन्य बुरे विशालकाय व्यक्ति को दो कारों को एक पहिए की तरह इस्तेमाल करते हुए विपरीत चट्टान पर खड़ा किया गया। इनमें से एक कार में सोफी थी। जैसे ही अच्छा जॉइंट और बुरा जॉइंट मिलने वाले थे, सोफी ने स्टीयरिंग व्हील को बाईं ओर घुमा दिया जिससे बुरा जॉइंट बुरी तरह गिर गया। अच्छे राक्षस ने आकाश को देखा और बताया कि बारिश होने वाली है। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार बारिश होने लगी जिससे बड़े बड़े दिग्गज छिपने के लिए भागने लगे। अच्छा जॉइंट सोफी को अपने साथ ले गया। दुर्भाग्य से दुष्ट दिग्गजों को सोफी की जैकेट मिल गई। उन्होंने उसे सूंघा और मानव गंध को पहचान लिया। अगले दृश्य में सोफी को इस बात की चिंता महसूस हुई कि नीच दिग्गजों ने अच्छे दिग्गज के साथ कैसा व्यवहार किया। वे ड्रीमलैंड नामक एक शानदार जगह पर पहुंचे। सोफी उस स्थान की सुंदरता और भव्यता से मंत्रमुग्ध हो गई जहां उन्होंने सपने संजोए थे। जॉइंट ने उसे एक सपना पकड़ने के लिए प्रोत्साहित किया और वह उत्सुकता से उनका पीछा करने लगी। थोड़ी कोशिश के बाद वह एक सपना देखने में कामयाब रही, लेकिन जॉइंट ने सुझाव दिया कि यह एक बुरा सपना हो सकता है। जवाब में सोफी ने उसी क्षण से उसे BFG कहने का फैसला किया। कथा ने सुंदर रूप से परिवर्तन किया। सोफी और अच्छे दिग्गज को एक विचित्र घर में पहुंचाया जहां एक नींद में सो रहा युवा लड़का उनकी उपस्थिति के बारे में अनभिज्ञता में लेटा हुआ था। अपनी आंखों में चमक के साथ अच्छा जॉइंट सोफी की ओर मुड़ा और उसकी हार्दिक इच्छा के बारे में पूछा। उसका उत्तर सरल तथापि गहन था। वो सोते हुए बच्चे के लिए खुशी लाना चाहती थी। यह इच्छा दया और सहानुभूति में निहित थी। अपनी असाधारण क्षमताओं के साथ सौम्य जॉइंट ने सनक और हंसी का एक सपना बुना, एक उपहार जिसने लड़के के सपनों को सुशोभित किया, उसके सोते हुए चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान बिखेर दी। जैसे जैसे दोनों आगे बढ़े, यात्रा जारी रही, उनके कदम भाग्य और उनके साझा उद्देश्य की भावना से निर्देशित थे। कदमों की हल्की सी सरसराहट ने चुप्पी तोड़ दी और उन्हें द्वेषपूर्ण दिग्गजों की अशुभ उपस्थिति के प्रति सचेत कर दिया, जिनके क्रूर इरादे खतरे की छाया डालते थे। सोफी की भलाई की चिंता ने अच्छे दिग्गज को परेशान कर दिया, जिससे एक कठिन निर्णय लेना पड़ा। उसकी सुरक्षा के डर से उसने सोफी को अनाथालय में लौटाने के बारे में सोचा, जो एक परिचित जगह थी, लेकिन वो खुशी नहीं जो वो उसके लिए चाहता था। फिर भी सोफी की आत्मा चमक उठी। उसका दृढ़ संकल्प अटूट था, क्योंकि वो पूरे जोश के साथ अपने महान दोस्त के साथ रहने पर जोर दे रही थी। उसकी दृढ़ता ने उसके साहस को उजागर किया और एक खोए हुए अवसर की जॉइंट की अपनी यादों के साथ एक मार्मिक विरोधाभास प्रस्तुत किया। उसे एक लड़के के साथ हुई पुरानी मुलाकात याद आ गई, जिसने उसे साक्षरता की शक्ति का उपहार दिया था, जिससे उसके भीतर ज्ञान की लौ जल उठी। उस लड़के के साथ पुनर्मिलन का मौका हमेशा के लिए पहुँच से बाहर था और इस तरह के दिल के दर्द को फिर से जीने का विचार उसके लिए सहन करने के लिए बहुत कठिन था। अपनी आंखों में आंसू चमकाते हुए उसने सोफी से अलग होने का दर्दनाक निर्णय लिया, जो प्यार और उसे नुकसान से बचाने की इच्छा से प्रेरित बलिदान का एक कार्य था। सोफी को अच्छे दिग्गज की अनोखी शक्ति, अनकही बातों को सुनने और किसी के दिल में भावनाओं को महसूस करने की क्षमता याद थी। उसने उसे पुकारा और दृढ़ निश्चय के साथ रेलिंग पर चढ़ गई। तेजी से अच्छा जॉइंट आगे बढ़ा, धीरे से उसे अपने जॉइंट हाथों में पकड़ लिया और उसे एक बार फिर बचा लिया। इस बीच सोफी की बेताब खोज से प्रेरित होकर मतलबी दिग्गज अच्छे दिग्गज के घर में जबरन घुस गए। अपनी उन्मत्त खोज में उन्होंने अनमोल सपनों से भरे जार को लापरवाही से नष्ट कर दिया। इसने उस अच्छे दिग्गज को तबाह कर दिया जिसने उनसे उसकी मेहनत की कमाई को नुकसान न पहुंचाने की गुहार लगाई। उन्होंने सोफी की काफी तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका।
आखिरकार उस भले दिग्गज ने उन्हें अपना घर छोड़ने के लिए मना लिया और आगे की क्षति को टाल दिया। ये दृश्य सोफी और जॉइंट की ओर सहजता से स्थानांतरित हो गया, जिन्होंने गहन महत्व के एक सपने को तैयार करने के लिए मिलकर काम किया, जिसका उद्देश्य किसी और को नहीं बल्कि इंग्लैंड की सम्मानित रानी को अपना हार्दिक संदेश देना था। सावधानी पूर्वक देखभाल के साथ उन्होंने विभिन्न सपनों को बड़ी चतुराई से एक दूसरे में पिरोया, उन्हें अर्थ और शक्ति के ताने बाने में पिरोया। जब उन्होंने इस स्वप्न रचना पर काम किया तो उनका समर्पण और रचनात्मकता निखर कर सामने आई। एक बार जब उनका प्यार का श्रम पूरा हो गया तो सोफी और जॉइंट एक यात्रा पर निकल पड़े जो उन्हें शाही महल की भव्यता तक ले जाएगी। यह महल अपने जॉइंट शिखरों और शानदार वास्तुकला के साथ ब्रिटिश राजशाही के इतिहास और प्रतिष्ठा के प्रमाण के रूप में खड़ा था। महल में पहुंचने पर उन्हें सावधानी से बनाए गए इस सपने को नींद में सो रही रानी तक पहुंचाने के चुनौतीपूर्ण कार्य का सामना करना पड़ा। यह एक विस्मयकारी क्षण था जब रानी धीरे धीरे अपनी गहरी नींद से जागी। उसके चेहरे पर जिज्ञासा और घबराहट का मिश्रण झलक रहा था, क्योंकि वह अभी अभी परेशान करने वाले सपने में डूबी हुई थी। इस दुखद सपने में रानी ने एक ऐसी दुनिया की गवाही दी जहां डरावने राक्षस वही प्राणी थे जिनके बारे में उसने केवल किंवदंतियों में सुना था, मासूम बच्चों को छीन लिया और उन्हें भस्म कर दिया। इस दुस्वप्न की ज्वलंत कल्पना उसे परेशान कर रही थी, जिससे वो बहुत परेशान थी और उसे विश्वास करने के लिए किसी की जरूरत थी। वह अपने वफादार सहायक की ओर मुड़ी और उस बोझिल सपने को साझा किया जिसने उसके आराम को परेशान कर दिया था। इस महत्वपूर्ण क्षण ने दो दुनियाओं के मिलन को चिन्हित किया, एक में इंग्लैंड की रानी का निवास था और दूसरे में सोफी और जॉइंट का निवास था, जो जिम्मेदारी, करुणा और निर्दोषों की रक्षा करने की साझा भावना द्वारा एक साथ लाए गए थे। यह एक उल्लेखनीय यात्रा की शुरुआत थी जो नियति को नया आकार देगी और साहस और एकता की विरासत बनाएगी। आश्चर्यजनक रूप से रानी की नज़र सोफी पर पड़ी, जो उसकी अलंकृत खिड़की के बाहर दृढ़ संकल्प और आशा की मूर्ति खड़ी थी। सोफी ने अपना हाथ बढ़ाया, उनके भव्य मिशन में सहायता और सहयोग के लिए एक मूक अनुरोध। अटूट संकल्प के साथ रानी के पास जाकर सोफी ने उस परोपकारी जॉइंट का परिचय कराने का अनुरोध प्रस्तुत किया जिसने उनकी असाधारण यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आश्चर्यजनक रूप से उनकी आंखों के सामने दयालुता और सहानुभूति की एक जॉइंट मूर्ति, जेंटल विशालकाय व्यक्ति प्रकट हुआ। रानी ने अपने पूरे राजसी वैभव के साथ एक गर्मजोशी भरा निमंत्रण दिया और उन्हें अपने महल के भव्य गलियारों में ले गई। वहां उन्हें उसके शाही दरबार की समृद्धि और उदारता का सामना करना पड़ा, जहां एक मनोरम दावत का इंतजार था, साथ ही खुद को सजाने के लिए शानदार परिधानों की एक श्रृंखला भी थी। विशिष्ट निर्णायकता के साथ रानी ने तुरंत अपनी विशिष्ट सेनाओं और शक्तिशाली हेलीकॉप्टरों के एक बेड़े को भेजा और उन्हें दुष्ट दिग्गजों द्वारा उत्पन्न खतरे का सामना करने और कुचलने के लिए संगठित किया। उनके नापाक कृत्य बख्शे नहीं जाएंगे। अंगिनत दुष्कर्मों और आतंक के अपराधियों, नीच दिग्गजों ने खुद को पकड़ा और न्याय के कटघरे में खड़ा पाया, उनके भय का शासन खत्म हो गया। उनके द्वेष का अंत करते हुए न्याय और सुरक्षा के शासन की शुरुआत की गई। महल में सोफी ने खुशी और सुरक्षा से भरपूर रानी की उदारता के लिए हमेशा आभारी होकर अपने नए जीवन को अपनाया। घटनाओं के एक सुरम्य मोड़ में अच्छे दिग्गज ने एक बार फिर सांत्वना और उद्देश्य ढूंढते हुए खेती की शांत दुनिया में प्रवेश किया और उन्हें बनाए रखने के लिए ताजी पौष्टिक सब्जियों की प्रचुर मात्रा में खेती की। और इसलिए ये कहानी करुणा, सहयोग और द्वेष पर विजय की सामंजस्यपूर्ण सिम्फनी के साथ समाप्त हुई और आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस और एकता की विरासत छोड़ गई।